घटना सिघवाबाद थाना क्षेत्र के गांव नगला ढेर की है, जहां पर एक विद्यालय की जमीन को लेकर स्कूल संचालक का अपने ही परिवार के लोगों से बीते कई सालों से विवाद चल रहा था। इस विवाद में आज एक पंचायत भी होनी थी, लेकिन मृतक के परिजनों का आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोग पंचायत से पहले ही स्कूल में आ धमके और उन्होंने दिन दहाड़े अजय पाल और उसके बेटे पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे अजय पाल की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटे ने भागकर अपनी जान बचा ली। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। फिरोजाबाद से शालिनी दिवाकर, सहयोगी श्री कृष्ण चित्तौड़ी की रिपोर्ट, एस के एच न्यूज। ग्राउंड पर हकीका करेंगे, उसे दिखाएंगे, वाल दिखा देंगे, अच्छी चाह आएंगे। ग्राउंड पर हकीका करेंगे, उसे दिखाएंगे, वाल दिखा देंगे, अच्छी घटना हुई है आपके साथ। जमीन का थोड़ा विवाद था और हम उसके लिए आए, इसमें बिल्डिंग पे वो लोग कब्जा कर रहे थे विद्यालय की बिल्डिंग पे, और उनका बेनामा था जमीन का, हमने उनसे मना किया, पिटाई से बाद विवाद हो गया। इतने नहीं, कौन लोग थे, किन्ने गोली मार दी, क्या हुआ है, किसकी मौत हुई है? प्रबंधक की मौत हुई है, विद्यालय के जो प्रबंधक। और गोली लगने से घायल कौन कौन है? घायल तो मैं ही अकेला हूँ, राम प्रताप। कौन लोग हैं, कहाँ के आरोपी, पता चल रहे हैं कुछ? कालू के, नगर के एक किलोमीटर दूर है, नाम बता दो। भूपेंद्र। स्कूल निर्माणाधीन है, इसी को लेके विवाद था कुछ जमीन का, और इनका आपस में पार्टनरशिप में था कुछ मामला, और अब इसमें देखिए तहरीर आने पर ये जैसा कि बता रहे हैं कि तीन चार लोग थे ये मारने वाले, और अभी पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग घायल हैं? ये एक व्यक्ति अजयपाल की मृत्यु हुई है गोली लगने से, और एक को हाथ में लगी हुई है। सर, पीड़ित का आरोप ये है कि उन्होंने तहसील दिवस में हमने शिकायतें की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, इसके कारण ऐसा जांच भी होगी, अब उसको पता लगाया जाएगा, उसकी भी जांच की जाएगी।